एक काम करो मोंटू, तुम थोड़े दिन की छुट्टी ले लो, रेस्ट कर लो, और मैं तुम्हारे पापा से कहकर अच्छे पागल के डॉक्टर अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए कहता हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा मोंटू, ओके? सर पर मैं ठीक ही हूँ। हाँ मैं जानता हूँ तुम ठीक ही हो, लेकिन आंखों के डॉक्टर के पास भी जाना मोंटू। ये जो सब कुछ तुम्हें दो दो नजर आता है ना, ये तुम्हारी आंखों की खराबी की निशानी है मोंटू। सर तू तो मानो मैं उनके साथ परिया भी है। अब तो तुम कहोगे हम परीलोक में भी हैं। हाँ क्या? सॉरी सर, मेरा मतलब था कि हम पृथ्वी लोक पे ही है और पृथ्वी लोक पे परिया है। शट अप मोंटू, यहाँ पे ना कोई परिया है ना हम परिलोक में है। दिन में सपने देखना बंद करो गधे। आप एक बार टर्न करके देखिए ना। मुझे नहीं देखना। सर प्लीज एक बार देखिए। पागल हो गए तुम? और तुम्हारी बात मैं सुनूंगा ना तो लोग मुझे पागल समझेंगे। क्या करूं मैं तुम्हारा मोंटू? सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सर सर एक ही चांस सर प्लीज। ओके ओके जल्दी कहो, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके डोंट वेस्ट माय टाइम, कम ऑन। सर पहले मुझे मानो मैं भैया की थी, अब मानो मैं भैया की। क्या बोल रहे हो? अरे कुछ सही ढंग से बोलो, आराम से बोलो, स्लो मोशन में बोलो। सर पहले मुझे मानो मैं परिया दिखती थी, अब मुझे मानो मैं अलग दिखते हैं। मुझे तुम परेशान मत करो, मुझे तुम परेशान मत करो, वरना मैं तुम्हें परेशान करूंगा। कल तुम्हारे दो दो पिताजी को लेकर आना। सर वो तो एक ही है। ठीक है उनको लेकर आना। सर आई डोंट वॉन्ट टू हियर, प्लीज सेव मी। भाई, जैसे पृथ्वी लोक पे काफी चीजों को यंत्र से चलाया जाता है, वैसे ही ये यंत्र मैंने खास मोंटू के लिए बनाया है। मोंटू के लिए? हाँ मानव, सबकी सच्चाई जानने के बाद मोंटू मानव और मेहर को परेशान करने की कोशिश जरूर करेगा, और हो सकता है कि बालवीर उस समय मानव और मेहर की मदद करने के लिए ना आ पाए। ऐसे में इस नियंत्रण यंत्र से मोंटू को वश में किया जा सकता है। डुबा डुबा ए, तुम इस नियंत्रण यंत्र का प्रयोग करो, और तुम्हें पता है तुम इस यंत्र से मोंटू को ही नहीं बल्कि किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। लो डुबा डुबा। शुक्रिया नटखट परी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया यंत्र है, मतलब रिमोट है। अब मोंटू हमें कभी परेशान नहीं कर पाएगा। हाँ लेकिन मानव महर, इस यंत्र के बारे में और जो कुछ भी परिलोक में हुआ है उसके बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी परिलोक में होता है वो परिलोक और परियों के बीच ही रहता है। विषधार परी, विरंग परी, अब आप दोनों भी अपने असली रूप में आ जाइए, क्योंकि आपको हमारे साथ परीलोक चलना है। खिल जाए धूप, मिल जाए विषधार परी और विरंग परी को उनका असली रूप। डुबा-डुबाए, जब तक बालवीर भयंकर परी को हराकर वापस बल्लू बनकर पृथ्वी लोक पर नहीं आ जाता, तब तक तुम्हें ही बल्लू बनकर यहाँ रहना होगा और मानव और मेहर का ध्यान रखना होगा। जी मालती। खुश रहो डुबा-डुबाए, खुश रहो डुबा-डुबाए, खुश रहो परियों। Mm-hmm.
देख रहा हूँ परियों को। परियों को मतलब हो सकता है ऐसा कि दिख जाए परिया है? और तू तो ऐसी उल्टी भाषा क्यों बोल रहा है? हो गया मेरा व्याकरण खराब और दिमाग भी। तो ये घर की टीवी का रिमोट स्कूल में क्यों ले आया? आ गया ये गलती से। ठीक है अब चलो क्लास का टाइम हो गया है। मानो मेहर देखकर तुम्हें सुरक्षित हुई मुझे खुशी बहुत। जब भी करता हूं मैं आराम, ये रानी परी मेरे आराम करने की योजना पर डाल देती है मिट्टी। वो कल की बनी साथी नटखट परी दी जा रही है उस पे शक्तियों की शक्तियां, और यहाँ पर मुझे सुरंग बिछाने के लिए दिया है ये सिर्फ हथियार। कभी चौकीदार, कभी सुरंग खोदने वाला मजदूर, कभी सुरंग बिछाने वाला मजदूर। अरे है क्या समझ रखा मुझे? और ये नहीं है समझती कि है हुआ मेरा जन्म महान कार्य करने के लिए। हे बंद कर दी मैंने एक सुरंग, बाकी है दो सुरंग बुझाने की। जाने दो मुझे एक बार प्रधान, फिर दिखाता हूं मैं कि हूं कौन। क्या इतना बड़ा धोखा? सिर्फ इतना ही नहीं रानी परी, उनकी असली चाल तो ये है। चाल तो तुमने अच्छी चली थी बालवीर, मगर अब ये चाल तुम पर उल्टी ही पड़ेगी। अब देखो कैसे मैं एक तीर से दो निशाने लगाती हूँ। परी तारा भी मेरा होगा और मैं तुम्हारा नामो निशान भी मिटा दूंगी। रिमोट कहाँ है? ओ ये क्या चल रहा है? मुझे न्यूज़ देखना है। रिमोट कहाँ है? ओ ये रिमोट कहाँ है? क्या आपको रिमोट नहीं मिल रहा है? तो जल्दी ढूंढिए और आपकी न्यूज़ चैनल बाद में देखना, पहले मुझे भजन फियर करना है। ना फियर नहीं हियर, आपको भजन से डरना नहीं है, भजन सुनना है। हाँ वो वही सेम टू सेम, पर रिमोट ढूंढो बहू। चल चल ढूंढ ढूंढ ढूंढ। अरे मत। सुन तुम्हें टीवी का रिमोट देखा है? अरे माँ मैं भी वही ढूंढ रही हूँ, मुझे भी मेरी सीरियल देखनी चली जाएगी, सास की कहानी बहू की जुबानी। हाँ वो तो मुझे भी देखनी है, उसमें आने क्या वाला है? आज ना
ये डिस्कशन बंद करो और रिमोट ढूंढो। ढूंढते आप जाओ। बताना क्या आने वाला है उसमें। आज ना बहू अपनी सास को चट से दिखा देने वाली है। अब्बा सुनो, रिमोट मिल जाए तो स्मिता को नहीं देना। हम सब साथ मिलके भजन ही देखेंगे। भाई तेरा कुछ नहीं आने वाला है। आने वाला है बापूजी, बिल्कुल आने वाला है। तेरा दोस्त आने वाला है टीवी पे। नहीं, ऑफिस में आने वाला है। क्रिकेट मैच टीवी पे, क्रिकेट मैच आने वाला है बापूजी। पता नहीं ये रिमोट कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, ढूंढ बेटा, कवर तू ही चढ़ाती है ना। पता नहीं कहाँ गया ये रिमोट। ओहो, आज मिलेगा ये रिमोट। जिसे खो जाना चाहिए वो तो खोता नहीं है। अरे दादाजी, कहीं खोया नहीं है रिमोट, इस बल्लू के पास है रिमोट। ये स्कूल में भी लेके आया था। लेकिन रिमोट तो मेरे पास है, बल्लू के पास कौन था। ए बल्लू, तू स्कूल में पढ़ने जाता है या टीवी देखने। ला रिमोट मुझे दे। बस नियंत्रण, वो नियंत्रण नहीं। दादाजी नियंत्रण वो। ले, तू भी तेरे दादाजी की तरह अटकने लगा है। ला रिमोट दे। अरे बल्लू लल्लू, रिमोट दे। अरे महर, तुमने फिर से नॉर्मल बोलना शुरू कर दिया। पर माँ, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, बल्लू लल्लू। कुछ दिनों से तुम वो अंग्रेजों की तरह बोलने की जो कोशिश कर रही थी। गए फस, ये तो असली मानो मेहर है। नहीं इनको पता कि इनकी जगह आई थी फिरंग परी और विजधार परी। करना पड़ेगा मुझे ही कुछ। माँ, नहीं होने वाला वो नाटक जिसके कर रही थी तैयारी मेहर। अरे ये क्या नाटक है, मतलब कि ये कैसा नाटक है जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बल्लू अब तू ही बता कि ये तेरा उल्टा बोलने का नाटक कब खत्म होगा। करते करते नाटक की तैयारी पड़ गई है मुझे आदत। अरे पर बल्लू कौन सा नाटक। चलो चलो चलो, अब सबका ये नाटक बंद हो गया, तो हम नाटक देखें। अब टीवी देखें। हाँ, चल रिमोट दे। रिमोट दे। खत्म नहीं होती एक मुसीबत, शुरू हो जाती है दूसरी। है नहीं ये कोई आम नियंत्रण यंत्र। अगर दिया दादाजी को और उन्होंने इसे किसी और पे चलाया तो हो जाएगा टीवी की जगह वो नियंत्रण में उनके। चलो चलो पहले भजन देखते हैं। नहीं वो मेरी सीरियल, वो तो आपकी भी फेवरेट है ना। अरे नहीं नहीं, म्यूजिक चैनल देखते हैं। नहीं मैं कार्टून चैनल देखूंगा। अरे बच्चों बच्चों बच्चों, माँ बापूजी, स्मिता मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है जिससे हम सब लोग मिलके एक प्रोग्राम देख सकते हैं, और वो है क्रिकेट मैच। नहीं नहीं, पहले मेरा प्रवचन। हो गई गड़बड़, टकरा गई ये किरणें तो मानव मेहर के पिताजी से। अब आ जाएंगे वो नियंत्रण में और बन जाएंगे वो टीवी। जाग जाओ, वरना अभी के अभी भाग जाओ। ये क्या बोल रहा है तू? देख लीजिए, पहचानिए इस भोले भाले और मासूम से चेहरे को, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक दरिंदा। अरे मैंने तुझे रिमोट नहीं दिया तो अपने बाप को दरिंदा बोलेगा तू? इसने पूरे शहर के लोगों की रातों की नींद खराब करके रखी है, पहचानिए इसे। मैंने मैंने नींद खराब करके रखी है? आपके खर्राटों के बारे में बोल रहा है। ये क्या हो गया तुझे? वो आप अंदर अंदर ना दोनों झगड़ते रहो, मुझे मेरी प्रवचन चैनल देखने दो। माया अरे वो प्रवचन कर रहा है। जगत मिथ्या है, देह नाशवंत है, आत्मा ही शाश्वत है। त्याग दे
त्याग दे। आखिर सब त्याग के ही तो ईश्वर के घर जाना है। मुझे ईश्वर के घर पे नहीं जाना है, चाय का भी नहीं पूछता है वो। तू क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा? सुबह बाजार से सब्जी लेके आया था और अब तुझे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। हाँ हाँ, तुझे क्या हो गया बेटा? हाँ। कुछ नहीं हुआ माँ, इनको मैच देखना है इसलिए ये सब कर रहे हैं। लाइए माँ मुझे रिमोट दीजिए, मेरी सास वाला सीरियल। समझाओ इन्हें कैसे कि ये नियंत्रण यंत्र नहीं है, कोई मामूली यंत्र। पता नहीं आगे इससे होगा क्या क्या। बालवीर 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 माँ परियो। माँ गाल परी अब दोनों ठीक है ना? मुझे क्षमा करना कि मैं उस समय आप दोनों की रक्षा भयंकर परी से नहीं कर पाया। नहीं नहीं बालवीर, ऐसा मत कहो, बल्कि आपकी वजह से ही तो अभी तक हम सब और ये परी तारा भयंकर परी से बचे हुए हैं। माँ अब बस हम आखिरी कदम दूर है, हम थोड़ी देर में भयंकर परी से और परी तारा का आधा हिस्सा हासिल कर लेंगे। बालवीर इस वक्त भयंकर परी बहुत शक्तिशाली है। हमें अभी भी लगता है कि एक बार आप अपनी योजना के बारे में फिर से सोच लीजिए। मैं जानता हूँ परी कि इस योजना में बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन आप मुझ पे अपने बालवीर पर विश्वास रखिए। मैं परी तारा को भयंकर परी के हाथों कभी नहीं लगने दूंगा। ठीक है बालवीर, आपको यही सही लगता है तो हम सब आपके साथ। हाँ बालवीर, और इस बार तुम्हें भयंकर परी को सिर्फ पराजित नहीं करना है, बल्कि उसे ऐसा सबक सिखाना है कि अगली बार वो सच्चाई के खिलाफ जाने से पहले हजार बार सोचे, और उसके मन में सच्चाई से टकराने का ख्याल भी आए तो वो डर जाए। हाँ माँ, बस थोड़ी ही देर में परीलोक से बुराई का अंधकार हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और परीलोक में सच्चाई और अच्छाई की सुनहरी धूप खिलेगी। निपट परी अब आप परी मैदान की ओर जाइए। ठीक है बालवीर। हाँ माँ रिमोट दीजिए ना, मेरी सास वाला सीरियल। आज तो खुल कर ही रहेगी बोल, अब तक तो सास ने बहू को फेंक भी दिया। सुना सुना आप लोगों ने सुना? ओ, इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अन्याय। हम भी तो आते थे ना सास को धक्का देने के लिए, अकेली ने किया, कोई भी अकेली ने किया ये सब कैसे हो रहा है? उस रिमोट पे जरूर कुछ जादू है। तुझे इसलिए इस घर की बहू बनाया था मैंने कि तू अपनी ही सास को धक्का दे दे। निकल जा अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। तू मेरी बहू को ऐसे कैसे कह सकता है? कान पकड़ के तुझे निकाल दूंगी मैं। हाँ देखिए ना माँ, एक मैच देखने के लिए कितना नाटक कर रहे हैं। मुझे म्यूजिक चैनल देखना।
किसी का दीवाना। डांस ही कर रहा है, पता है, बिल्कुल आप पे गया, इतना खराब डांस कर रहा है। ये होता है क्रिकेट का दीवाना। लेकिन मैं भी है ना उसका बाप हूँ। ला रिमोट मुझे दो। मेरा सीरियल। अरे नहीं नहीं। चेंज सिस्टम है तो जाग जाओ, वरना अभी के अभी भाग जाओ। फेवरेट सीरियल है, मुझे देखना है। आत्मा शाश्वत है, जगत मिथ्या है, देह नाशवंत है। और ये गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर, बेहतरीन खेल दिखाते हुए। मैं पहले बहुत ही मोटा हुआ करता था, लेकिन ये दवाई खाने के बाद। मेरा फिल्म चला जाएगा। अब देखो जिसे जो देखना है वो। अब तू भी देख तेरी वो सास बहू की सीरियल। अब देखो तुम्हारा म्यूजिक चैनल। मुझे नहीं देखना, तू देखना अपना वो कार्टून चैनल। मुझे भी नहीं देखना। बल्लू खबरदार, फिर से उसे हाथ लगाया तो उसे दूर रख। चल चल। तुम ले ही आई परितारा मेरे पास। तुम्हें क्या लगा था कि तुम भयंकर परी को धोखा दे सकती हो? बेवकूफ नटखट परी। परितारा के आधे हिस्से को जी भर के देख लो भयंकर परी, क्योंकि कुछ ही क्षणों में ये हमारा होने वाला है। आखिरी बार छूकर महसूस कर लो परितारा को, क्योंकि कुछ ही पल में पूरा परितारा मेरे पास होगा और तुम सब परियां कैद में जाओगी। तुम और तुम्हारी बुराई बस कुछ और क्षण रहेगी परीलोक में, इसके बाद बालवीर तुम्हारा विनाश करेगा। धोखेबाज भयंकर परी। भयंकर परी से धोखेबाजी की सजा मिलेगी तुम्हें नटखट परी। बस भयंकर परी, तुम्हारा खेल समाप्त। बालवीर तुम्हारी ही बनाई हुई सुरंग से आता ही होगा। बेवकूफ परियां भयंकर परी से चालाकी कर रही थी। तुम्हारी चालाकी की सोच जहां से खत्म होती है नटखट परी, भयंकर परी के शैतानी दिमाग की सोच वहीं से शुरू होती है। अगर सुरंग बंद है तो बालवीर कैसे आएगा? जब तक बालवीर आएगा तब तक तो ये पूरा परितारा मेरा हो जाएगा। ये रिमोट जरूर जादुई रिमोट है, इससे सब कुछ चलता है। जैसे कल मोटा भाई भी इससे चल रहे थे। मजा आ रहा था। मैं आज भी इसे किसी पे ट्राई करता हूँ। त्योहारों में मिठाई खाने का मजा ही कुछ और है, और उसमें भी खास करके होली के दिन जलेबी खाने का मजा आ जाता है। माँ की याद आ गई, होली के दिन मस्त गरम गरम जलेबियां बनाती थी और खिलाती थी। वाह 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 वाह। जी
ले लिया हवा में। मैं क्या करूं? ये बच्चे भी ना खिलौने इधर उधर रख देते हैं। कितनी बार कहा कि ठीक से रखो, मेरी जलेबियां गिरा दी। मेरी जलेबी कहां गई? जलेबी यहां कैसे आई? देखा मुझे जलेबी से कितना प्यार है, मैंने गिराई तो भी प्लेट में ही गिरी। आज तो सारी की सारी खा जाऊंगा। अरे बालवीर, ये सुरंग तो बंद है। ये कैसे हो सकता है माँ? कुछ पल पहले यहाँ तो सुरंग थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि भयंकर परी को हमारे इरादों के बारे में पता चल गया हो? अगर ऐसा है तो नटखट परी और परी तारा सुरक्षित नहीं है माँ, और हमारे पास ना ही शक्ति है और ना ही समय कि हम इस सुरंग को वापस खोज सके। फिर अब क्या करेंगे? अब तक तो नरखट परी वो परी तारा लेकर परी मैदान में पहुंच गई होगी। इससे पहले नटखट परी भयंकर परी को परी तारा का आधा हिस्सा दे, हमें उससे पहले परी मैदान तक पहुंचना होगा माँ। बहु, हाँ माँ, हीरा तैयार हुआ कि नहीं? हाँ बस हो ही गया है। चलो जल्दी जल्दी। हाँ हाँ माँ, एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो। आपका गुजिया की तरह कड़क है। क्या मतलब? ऊपर से अंदर से बिल्कुल नरम मुलायम मीठी। बहु मैं एक बात बताऊँ? हाँ। तू ना ये जलेबी की तरह टेढ़ी है, यानी कि ऊपर से अंदर से एकदम मीठी है। माँ ये आप इतनी सारी जलेबियाँ बना रही है, पूरे मोहल्ले को खिलानी है क्या? तुझे तो पता है ना मानव महेश और तेरे बापूजी को जलेबी कितनी पसंद है। हाँ वो तो मैंने देख लिया। बापूजी को मैं जलेबियाँ सिर्फ टेस्ट करवाने ले गई थी और उन्होंने 8 जलेबियाँ खाई। हाय हाय, 8 जलेबियाँ खा गए? हाँ? तुम इतनी सारी जलेबियाँ लेकर ही क्यों गई? तुम्हें तो पता है ना मीठा देख के वो वॉल हो जाते हैं। वॉल नहीं माँ, फॉल हो जाते हैं। हाँ वो वही सेम टू सेम। अरे माँ बुरा ना मानो, होली है। अच्छा माँ आप थोड़ी देर आराम कीजिए, जलेबियाँ मैं बना लेती हूँ, ये तो आपको कमर में दर्द होगा। हाँ कमर में दर्द तो हो ही रहा है, सुबह से जो बना रही हूँ। लाइए ये ले पकड़। स्मिता जरा यहाँ ना। जाओ अभी आई। हाँ। चलो माँ की मदद करता हूँ, मजा आएगा मजा आएगा। कुछ ऐसा करता हूँ जिसमें कि जलेबी भी जल्दी बन जाए और माँ को थकान भी ना हो। हे भगवान, हे भगवान, लाइए माँ जी मैं बना देती। माँ जी आपने 2 मिनट में इतनी सारी जलेबी बना भी दी, मैं क्या बनाऊं? क्या ये मैंने बनाई? हाँ लेकिन बनाई कैसे? पता नहीं।
बस अब थोड़ी ही देर में पूरा परितारा मेरा होगा। बालवीर अभी तक क्यों नहीं आया? अरे वाह, ओ बेटा जलेबियां। अब लगता है कि होली का त्योहार आया है। नहीं नहीं नहीं, अब पहले भी जलेबी खा चुके, अब नहीं खानी थी आपको। बुरा न मानो, होली है। बापू जी, ये देखो, होली आई नहीं कि मार्केट में नकली सामान आना शुरू हो गया। 200 किलो आटा, 200 किलो घी और घटिया क्वालिटी की शक्कर, ये सब पकड़ा गया है। बापू जी, मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें जलेबी बनाने में इस्तेमाल होती है। अरे ये कोई तरीका है क्या जलेबी बनाने का? मतलब जलेबी के बारे में बताने का? पुराने माने होली है। अरे यार, तुम लोग मिलके मुझे डरा रहे हो। तुम दोनों के टिफिन में मैंने रखी है। बच्चों, ये क्या, इतनी साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में जाओगे तो रंग डाल देगा तू। अरे तो क्या हुआ दादाजी, बुरा ना मानो, होली है। लगता है इस बार होली पे मुझसे बुरा मनवा कर ही रहेंगे। अरे दादाजी, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, और वैसे भी स्कूल में ये यूनिफॉर्म कंपलसरी है, तो हमें यही कपड़े पहन के जाने पड़ेंगे। और वैसे भी दादाजी, स्कूल में होली खेलना अलाउड ही नहीं है। मैं अगर अलाउड हो भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई तुम पे बलून फेंके या कलर फेंके तो कोई टेंशन नहीं है। मैंने उसका इलाज ढूंढा है, इंसान को कंट्रोल करने वाला रिमोट। इस टीवी के रिमोट से कैसे कोई बच सकता है? हाँ वो भी है, ये तो बेचारा हमेशा सबकी उंगलियों तले दबता रहता है। तो बुरा ना मानो, रिमोट है। मोटा भाई, मोटा भाई, ये कोई मामूली टीवी रिमोट नहीं है, इससे इंसान कंट्रोल होते हैं। रॉकी चाचू, ऐसा रिमोट कंट्रोल तो हो ही नहीं सकता, आप किसी इंसान को अपने कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं? कर रहे हैं किस नियंत्रण यंत्र के बारे में बात? रोबोट तो सुने थे, लेकिन इंसानों को कंट्रोल करने वाले रिमोट आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं बना पाए हैं। हाँ। हाँ? मेरे इस नियंत्रण यंत्र के बारे में इन्हें पता चला कैसे? मैं सच कह रहा हूँ, आज सुबह जब बापूजी जलेबी की प्लेट लेके आ रहे थे तो उनके हाथ से वो प्लेट गिरने वाली थी और सारी जलेबियाँ नीचे गिर जाती, लेकिन मैंने इस पॉज बटन से उनको रोक दिया। और पता है माँ, सुबह जब तुम वो जलेबी बना रही थी ना, तो मैंने ही फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा के तुमसे जलेबी जल्दी जल्दी बनवा ली। बात तो सही कह रहा है ये। हाँ, ऐसा कुछ हुआ तो था मेरे साथ। भाभी भाभी, पता है कल जो मोटा भाई अलग अलग एक्टिंग कर रहे थे ना, वो इस रिमोट कंट्रोल से हो रहा था। या इन्होंने ये सब कैसे, क्योंकि था वो तो नियंत्रण यंत्र मेरे पास। ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, हो सकता है, आज के जमाने में कुछ भी हो सकता है। अब आप मुझे दोनों नियंत्रण यंत्र दिखते हैं एकदम एक जैसे, मतलब जादुई नियंत्रण यंत्र है उन्हीं के पास, और जो है मेरे पास वो है मामूली यंत्र। हो गया ये कैसे?
अब लेना होगा मुझे जल्दी से उनसे जादू या नियंत्रण यंत्र वापस। तुम लोगों को विश्वास नहीं होता ना तो मैं अभी इसे किसी पे इस्तेमाल करता हूँ। किस पे करूँ? तुम रुको। परितारा छूटकर एक हो गया है, अब जल्दी भयंकर परी उसे हासिल कर लेगी। जल्दी से कुछ करो बालवीर। ये परितारा घूम क्यों नहीं रहा है? अभी बालवीर सोच क्या रहे हो? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी कुछ करो। माँ, भयंकर परी को फंसाने के लिए जो चाल चली थी वो एकदम उल्टी पड़ गई है। हा? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? गौर से देखिए ना, भयंकर परी जो परी तारा का आधा हिस्सा लाई है वो नकली है, इसलिए वो परी तारा घूम नहीं रहा है। शुरू होने से पहले ही हार गए ना? नहीं, नहीं बालवीर, भयंकर परी को हमारी हर चाल के बारे में पता था, इसलिए उसने सुरंग बंद करवा दी और नकली परी तारा लिए। और हमारे पास जो परी तारा का आधा हिस्सा था वो भी उसे मिल जाएगा। हम हार गए माँ, हम हार गए। तुम बालवीर, अपने परीलोक और परितारा को बचाने मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे? डर गए कि भयंकर परी का मुकाबला नहीं कर पाओगे? अब भयंकर परी परितारा हासिल कर लेगी, हमारे पास उसे बचाने का कोई उपाय नहीं है। माँ, आपने इतनी जल्दी हार मान ली बालवीर, आप भूल रहे हैं कि आप सच्चाई के रक्षक हैं। सभी परियों ने आप पर भरोसा करते हुए ही परितारा का आधा हिस्सा भयंकर परी को देने के लिए हामी भरी थी, क्योंकि वो जानते हैं कि बालवीर अपने से भी ज्यादा परितारा की रक्षा करेगा। माना, माना कि इस समय सब कुछ भयंकर परी के पक्ष में है, लेकिन ऐसे ही समय सच्ची वीरता की पहचान होती है। उठो बालवीर, उठो और भयंकर परी का सामना करो। बालवीर, अपनी वीरता से ऐसी रोशनी फैलाओ जिसमें भयंकर परी और उसकी बुराई के अंधेरे का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाए। जाओ बालवीर, जाओ। आप सही कह रही हैं माँ, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, ना कि उनकी जो कोशिश ही नहीं करते। मुझे माफ करना माँ, मैं दो पल के लिए हार मान गया था, लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भयंकर परी को कभी नहीं जीतने दूंगा और ना ही उसके बुरे इरादों को कामयाब होने दूंगा। जीत हमारी होगी माँ, हमारी होगी। शाबाश बालवीर, शाबाश। मुझे सबसे पहले अपने असली परी तारा का आधा हिस्सा वापस लेना होगा और उसके लिए मुझे ऊपर परी तारा तक पहुंचना होगा। लेकिन बालवीर, बिना शक्तियों के आप वहां तक कैसे जाओगे? आप पहुंचाओगी माँ, आपके बालों में अभी भी जादुई शक्ति है माँ।
यही नहीं, ये रिवाइंड भी हो सकता है। देखा? ए, चल गया पता सबको जादू नियंत्रण यंत्र के बारे में। ये तो कमाल है। कौन रॉकी? रिमोट। हाँ बहुत बढ़िया काम करता है। रिमोट नहीं रॉकी। बात तो सुनिए आप मेरी। नहीं नहीं मैं पहले तुम्हें स्लो मोशन में डालता हूँ। रॉकी चाचू सुनो ऐसा मत करो। रिवाइंड। अब इसे फॉरवर्ड करता हूँ। रॉकी चाचू रुकिए। रखो जब भी कोई स्कूल में तुम पे कलर या बलून फेंके तो तुम इससे उसे कंट्रोल कर लेना। बापूजी आपने देखा? हाँ। नहीं आपने वही देखा जो मैंने देखा? जो सबने देखा वही मैंने देखा। नहीं कितना मजा आएगा, मैं इसके साथ स्कूल में गुब्बारे और कलर फेंकने वाले बच्चों को पॉज कर दूंगी। हाँ जरूर बालवीर ने बनाया होगा ताकि जो होली में शैतान बच्चे गुब्बारे फेंक के उन्हें हम रोक सके। करना होगा मुझे कुछ ताकि माने सब गलत इस नियंत्रण यंत्र को। मानो मेहर आया ना मजा, आया ना मजा आप सबको। मतलब या मैंने ये सब रॉकी चाचू की खुशी के लिए। मतलब ये जो तुम आगे पीछे रिवाइंड फॉरवर्ड स्लो मोशन प्ले सब तुम खुद कर रहे थे? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है बल्लू? रुकिए मैं बताता हूँ अभी। लीजिए माँ अब कीजिए शुरू। हाँ रिवाइंड। नहीं हो रहा है। एक बार और, एक बार और। फॉरवर्ड। अरे देखा किया मैंने ये सब करने के लिए रॉकी चाचू को खुश। मतलब ये कमाल का रिमोट नहीं है? अरे दादाजी ये टीवी का रिमोट है। लो हम तो ऐसे ही खुश हो रहे थे। लेकिन कहना मत ये रॉकी चाचू को वरना होगा उन्हें बहुत दुख। अरे वाह एक काम करते इस खुशी में जलेबियां खाते हैं। नहीं बहुत खाली। हाँ और बच्चे लोग तुम भी जल्दी से अपना बैग लो और स्कूल निकलो। हाँ हाँ आओ बालवीर आओ। मुझसे परी तारा को बचाने आए हो लेकिन आने से पहले तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा।
मुझे सजा दोगी? तुम एक लाचार शक्तिहीन नटखट परी भयंकर परी को सजा देगी? सजा तो मैं तुम्हें दूंगी नटखट परी, मुझसे धोखेबाजी करने की। मुझे तुम्हारी हर चाल के बारे में पहले से ही पता था और इसीलिए मैं अपना आधा परितारा नकली लेकर आई थी। मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी बालवीर, ताकि मैं एक तीर से दो निशाने लगा सकूं। एक पूरा परितारा हासिल कर सकूं और दूसरा तुम्हारा अंत हमेशा हमेशा के लिए। अंत तो मैं तुम्हारा करूंगा भयंकर परी, अपनी अंतिम घड़ियां गिनना शुरू कर दो। तुम मेरा अंत करोगे? कैसे करोगे बालवीर? एक पल में तुम सबको हवा में मिट्टी बनाकर उड़ा सकती हूं मैं, लेकिन अभी नहीं। पहले मैं तुम सबको दिखाना चाहती हूं कि जिसकी रक्षा तुमने आज तक की, वो परितारा आखिर में किसके हाथ आया। ये परितारा मेरा हुआ। देखो अंत में जीत मेरी हुई बालवीर। अब देखो बालवीर, मैं कैसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली और भयंकर बनती हूँ, क्योंकि आज अंत में जीत बुराई की हुई है बालवीर, बुराई की हुई है। विशाल ये ले, मैंने तुझे बहुत परेशान किया, इसलिए जो ये होली का त्योहार है ना, ये दुश्मनी मिटाने का त्योहार है, इसलिए आज अपने बीच की दीवार तोड़ दे। अरे देखो देखो भाई क्या कह रहे हैं, तोड़ दो ये दीवार। ओवर हो रहा है। सॉरी विशाल, इसलिए मैंने तेरे लिए ये फाउंटेन गिफ्ट लाया है और अपनी दोस्ती आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बॉस इतनी छोटी सी पेन से दीवार तो नहीं टूटेगी। चुप बैठ, नहीं तो टूट टूटेगा। विशाल करेगा ना मुझसे दोस्ती? सोच लिया विशाल, क्योंकि मैंने सुना सांप को से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। सांप करके दूंगा? नहीं सर, मेरा मतलब है सांप। कुछ भी क्या बोलता है रे, बस सांप थोड़ी ना। मोंटू बॉस आप सांप नहीं हो, क्योंकि सांप से तो फिर भी दोस्ती कर सकते, लेकिन आपसे आपसे तो कभी दोस्ती नहीं कर सकता कोई। ठीक है, अच्छा विशाल ही मेरा दोस्त है। बच गए। थैंक यू बॉस। सॉरी बॉस। सॉरी सॉरी। मोंटू तू मुझे पक्का दोस्त बना रहे ना? हाँ रे पगले, मैं तुझे इस होली के त्योहार में अपने दोस्ती के रंग से रंगना चाहता हूँ। ये ले। मोंटू ने मुझे पूरा किया। पूरा ना मानो। होली है। अरे मोटे डंडे मोंटू। क्या कहा? हाथ मोटा गेंडा। ऐसा मुस्कुरा मुस्कुरा कर। क्या होता है बॉस?
बस एक बात तो बताओ, एक पेन में से इतनी सारी इंक निकली कैसे? ऐसे ये देख, मैंने इसे ऐसे दबाया और फोर्स से इंक निकली, समझा? चलो अभी कोई दूसरा बकरा ढूंढते हैं। बॉस, ये जगह तो बहुत सुनसान है, यहाँ पे कोई बकरा नहीं है, तो स्कूल के गेट पे चलते हैं। ओके, चलो। रुक जाओ भयंकर परी। बाबी, इससे पहले कि तुम पूरे पतिता को हासिल कर लो और सर्वशक्तिशाली बन जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। आगे मत बढ़ो, अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो भस्म कर दूंगी। वो तो होना ही है भयंकर परी, पर इससे पहले मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूं। क्या, किस बात का शुक्रिया? मेरा ये भ्रम तोड़ने के लिए कि सच्चाई और अच्छाई बुराई से ज्यादा ताकतवर है। नहीं नहीं बालवीर, ये आप क्या कह रहे हो? आप सच्चाई और अच्छाई पर से अपना विश्वास खो नहीं सकते। खो सकता नहीं माँ, खो चुका हूँ। आज इसी भरोसे की वजह से आज सब परियां हार गई और एक सेवक बन गई, और भयंकर परी को देखिए, वो जीतकर मुस्कुरा रही है। तो बताइए माँ, कौन महान है, सच्चाई या फिर बुराई की प्रतीक भयंकर परी? नहीं बालवी, वो सब कुछ फिर से बदल जाएगा। नहीं नटखट परी, कुछ नहीं बदल सकता। अगर बदलना है तो सिर्फ हमें। हमें भयंकर परी को रानी परी स्वीकार करके उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका हर हुक्म मानना चाहिए और उनकी शक्तियों और महानता के सामने अपना सर झुकाना चाहिए। नहीं नहीं बालवीर, नहीं। जब बाल परे, बोलने दो इसे। कहो बालवीर, और कहो, तुम्हारे मुंह से ये सब कुछ सुनकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है, बोलो। कितना अच्छा लग रहा है अपने सबसे बड़े दुश्मन के मुंह से ये सुनकर कि उसने हार मान ली। हार ही नहीं मानी है मैंने भयंकर परी, बल्कि मैं तो आपका गुलाम बनना चाहता हूँ। मैं समझ गया कि अगर मेरे लिए कोई सबसे पवित्र स्थान है तो वो है तुम्हारे चरण। बालवीर, इसलिए अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं तुम्हारे चरण छूना चाहता हूँ। बालवीर, नहीं, ऐसा मत करना। ए सर्वशक्तिमान, अक्लमंद और ज्ञानी परी, तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा।